Hello everyone a very good morning to all of you I hope you all are doing good and well motivated to prepare for your dream exam that is RBI grade B. I am Gulapsa your mentor and I welcome you once again to another session of RBI 247 whereby we will be discussing important finance related current affairs. In today's class we will be talking about the monetary policy statement that has been released the most expected. जिसका बहुत इंतजार था लोगों को दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इसके पीछे की जो रैशनैलिटी है जो रीजनिंग है व्हाट वाई हैज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गिव इन अ सर्टन रेट वॉट आर द प्रोजेक्शन मेड बाई दोनिट्री पॉलिसी कमेटी All of these are very important from your exam point of view. So we will be discussing about this in today's lecture, but before that, there are two information for you. The first is regarding the live classes. You can visit our website for further information, and secondly, you can download our app known as anujindal.in from the Google Play Store. So, Jitani Sare features all of these features will be available to you at one-stop solution that is the anujindal.in app. लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टूडेज क्लास तो आज की क्लास में एज आईव ऑलरेडी मेन्शन वी विल टाकिंग अबाउट द मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट सो वाई डाज द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी कम्स अप विथ दिस स्टेटमेंट तो सबसे पहले इसका ये रीजनिंग आपको समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आर बी आई वॉज द वन हु वॉज ट्राइंग टू सी वॉट शुड बी दी

now this monetary policy committee has been encompassed with the with the functioning of मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट जो भी हमारा टॉलरेबल टारगेट है उसके विदिन रखना है सेकेंडली वी नीड टू सपोर्ट ग्रोथ सो मोनिट्री पॉलिसी कमेटी को ये दो चीज़ें करना है जिसके लिए वो हर दूसरे महीने मोनिट्री पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज करता है जिसमें इट मैंशनस इट्स प्रोजेक्शन कि ग्रोथ कितनी होगी इन्फ्लेशन कितना होगा वॉट इज़ द स्टेटस ऑफ आर फॉरैक्स रिजर्व एफ डी आई कितना आया हमारा एक्सटर्नल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है हाउ इज द डोमेस्टिकॉमींग रीजन बिहाइंड कमिंग अप विद सच अ प्रोजेक्शन इन सब को डिटरमाइन करता है हमारा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एंड इट कम्स अप विथ टू स्टेटमेंट फर्स्ट इज द मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट सेकेंड इज द स्टेटमेंट ऑफ डवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज ठीक है डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज जिसमें बहुत सारे इनिशियटिव जो एम पी सी करना चाहता है इन द कमिंग ईयर्स और इन द कमिंग मंथ आर डिस्क इन दिस डॉक्यूमेंट सो आज की क्लास में वी विल भी टॉकिंग अबाउट द मोनिट्री पॉलिसी स्टेटमेंट एंड देयर बाय वी विल भी अंडरस्टैंडिंग वॉट इज द इन्फ्लेशन टारगेट what what are the projections made by the monetary policy committee and what are their reasons and rationality behind coming up with such a statement so let's get started so this statement pertains to the month of august 2022 and the meeting was held between 3rd to 5th of august Dohazar 2022 so what are the major projections made by this committee so the first and foremost is about the growth rate india ki gdp growth kitni hogi so for the fiscal year or for the financial year 2023-24 the monetary policy committee has decided or has projected that india's growth is going to be around 7.2% अब लास्ट मंथ में जब इन्होंने रिलीज़ किया था दैट इज़ इन द मंथ ऑफ जून तो जून का जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज हुआ था उसमें भी दे हैव कैप्ट इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ टू 7.2 परसेंट सो बेसिकली दे हैव नॉट मेड एनी चेंजेस टू द ग्रोथ रेट और इधर टू द सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन सी पी आई बेस्ज इन्फ्लेशन हैज़ रिमेंड कॉन्स्टेंट और अनचेंजड एट सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट बट अब ये जो सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट है इट इज़ स्टिल हायर देन टॉलरेबल लिमिट हमारी हमारी लिमिट क्या होती है एज़ यू ऑल नो द टॉलरेबल लिमिट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर इंडिया इज फोर परसेंट प्लस और माइनस टू परसेंट ठीक है दैट मीन्स टू टू सिक्स परसेंट के बीच में होना चाहिए बट अगर हम प्रेजेंट सिनारियों की बात करें तो प्रेजेंट सिनारियों में हमारा जो इन्फ्लेशन रहा है लास्ट मंथ इट हैज़ बिन अराउंड सेवन परसेंट ठीक है और जो आर की जो मोनिट्री पॉलिसी कमेटी की प्रोजेक्शन है इट इज़ अराउंड सिक्स उसके अलावा दे हैव टॉक्ड अबाउट फॉरेक्स रिज़र्व विच हैज विच स्टैंड एट फाइव सेवेंटी थ्री पॉइंट नाइन बिलियन तो जब लास्ट मोनिट्री पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज हुई थी उस केस में आर फॉरन फॉरेक्स रिज़र्व वॉ सिक्स जीरो वन पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर्स ठीक है सो अराउंड अराउंड थर्टी बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है या डिक्रीज हुआ है हमारे फॉरेक्स रिजर्वस में अब आप पूछोगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डिक्रीजिंग फॉरेक्स रिजर्व आप सबको पता होगा दैट आर रुपी वाज डेप्रिसिएटिंग अ लॉट राइट हमारा रुपी एटी रुप चला गया था अगेंस्ट द यूएस डॉलर नाउ इन ऑर्डर टू सपोर्ट द रूपी और उसकी डेप्रिसिएशन को स्लो डाउन करने के लिए आर ने क्या किया इट इंटरवेंड इन द मार्केट बाय सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम इट्स फॉरेक्स रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर्स निकाला डॉलर्स को सेल किया अब डॉलर्स को सेल करोगे तो उसके बदले आपको रुपी मिलेगी दैट मीन्स यू आर डिमांडिंग रुपी सो बाई सेलिंग द डॉलर्स आर हैज़ ट्राइड

फॉरेक्स रिजर्व्स एंड अकॉर्डिंग टू दी गवर्नर ऑफ आरबीआई बी आई दास हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व्स है कि हम अपने एट मंथ्स के इम्पोर्ट्स को एट मंथ्स के इम्पोर्ट्स को कवर कर सकते हैं दैट मींस बिना किसी और एडिशन के फॉरेक्स रिजर्व्स का फाइव सेवेंटी थ्री बिलियन डॉलर से वीकेंड इम्पोर्ट एट मंथ्स सो वी आर गोइंग वी आर वी कैन कवर एट मंथ्स ऑफ आर इम्पोर्ट्स और इम्पोर्ट्स करोगे तो एक्सपोर्ट भी करोगे सो देर विल भी एडिशन एज वेल ठीक है ये आपको समझ आ गया नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड व्हाट आर द मेजर डिजिजन दैट हैज बीन टेकन सो मेजर डिजिजन दैट हैज़ बीन टेकन इज अबाउट द पॉलिसी रेपो रेट एंड एज एक्सपेक्टेड द पॉलिसी रेपो रेट हैज़ इंक्रीज बाय 50 बेसिस पॉइंट एंड पहले 4.9 परसेंट था एंड दिस हैज़ बीन इंक्रीज टू 5.4 परसेंट नाउ दिस वाज एन एक्सपेक्टेड मूव एक्सपेक्टेड क्यों था आपको पता होगा जो यूएस फेडरल रिजर्व है उन्होंने भी अपना पॉलिसी रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया था एंड दे हैड इंक्रीज टू 2.5 टू 2.5 परसेंट ठीक है इतने के रेंज के अंदर दे हैड इंक्रीज देयर पॉलिसी रेट सो अगर वो इंक्रीज़ कर रहे हैं देन इंडिया विल श्योरली हैव टू इंक्रीज़ इट्स पॉलिसी रेट फॉर द सिंपल रीजन दैट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में जो डिफरेंस होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का सो डेवलपिंग कंट्री यूजुअली पेज हायर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर्ड टू दी डेवलप्ड नेशंस ठीक है तो अब सपोज डेवलप्ड नेशंस फॉर एग्जांपल यूएस इंक्रीजेस इट्स इंटरेस्ट रेट तो इंडिया को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा अदरवाइज़ अगर इंटरेस्ट रेट सिमिलर होंगे देन पीपल विल स्टार्ट टेकिंग आउट मनी फ्रॉम इंडिया एंड दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस कंट्री जिसकी करेंसी भी बहुत स्टेबल है एंड इन द मिन वाइल दे विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क ऑल ऑफ दीज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड लुक एट द प्रीवियस वीडियो बहुत डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है नॉन एज द करेंसी कैरी ट्रेड ठीक है तो रेपो रेट वॉज अ वेरी ऑब्वियस रीजन एंड इसको इंक्रीज करने के पीछे एक और रीज़न ये है कि वी नीड वी वॉन्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हमारा सेवन परसेंट के अराउंड है वी नीड टू कंट्रोल एंड ब्रिंग इट विद इन द टोलरेबल बैंड ऑफ टू टू सिक्स परसेंट नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग दिस रेपो रेट हमारा जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है एस डी एफ इट हैज़ ऑल्सो बिन इंक्रीज है ना पहले वो 4.65%, now it has been increased by 50 basis point to 5.15%. Similarly, MSF and bank rate has also increased to 5.65%, and the fixed reverse repo rate has been standing constant at 3.5 पॉइंट फाइव थ्री आप ये बोलोगे मैम आपने बस रीड कर दिया व्हाई आर यू नॉट एक्सप्लेनिंग सो वी विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन ऑन दिस कि पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है एसडीएफ एमएसएफ व्हाट आर ऑल दीस अब बहुत लोगों को पता भी होगा बट लेट्स जस्ट हैव अ वेरी स्मॉल डिस्कशन अबाउट ऑल दिस रेट्स तो एक नया पेज लेते हैं फर्स्ट विल टॉक अबाउट द रेपो रेट सो व्हाट इज द रेपो रेट तो सपोज करो एक बैंक है एंड वी हैव द आर बी आई सो द रेट एट विच द बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आर बी आई टू मीड द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस ओवर नाइट अगेंस्ट सर्टन कोलेटरल एंड वॉट इज दिस कोलेटरल इट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी ठीक है तो जब भी आर बैंक्स बोरो करते हैं आर से दैट रेट इज नॉन एज द रेपो रेट ठीक है अब ये जो बोरोविंग होती है रेपो रेट होता है रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है रेपो रेट स्टैंड फॉर रीपर्चेज एग्रीमेंट रीपर्चेज एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है बैंक आर बी आई पैसे देते हैं बैंक को इसके बदले बैंकस प्रोवाइड दे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन द कंडीशन दैट आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आई विल बी बाइंग बैक माई सिक्योरिटी एंड रिटर्निंग बैक योर मनी आई होप आपको समझ आ गया होगा बैंक एक एस बैंक है एस बैंक के पास एस बी बैंक को पैसे चाहिए वो क्या करेगा उसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आर को दे देगा आर उसको पैसे देगा ऑन द कंडीशन कि छः महीने बाद आई विल बी रिटर्निंग बैक योर मनी और आप मेरा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है आप उसको वापस कर देना सो दिस इज़ नॉन एज द रेपो रेट अब हम क्या बोल रहे हैं दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ इंक्रीज दी पॉलिसी रेपो रेट अब पॉलिसी रेपो रेट इंक्रीज़ हो गया है दैट मीन्स अब जब एस बी आई करेगा सपोज पहले फ़ाइव सपोज फोर परसेंट पे बोरो कर रहा था नाउ इट विल हैव टू एट फाइव पॉइंट फोर परसेंट दैट मीन्स बोरोइंग्स हैज़ बिकम कॉस्टलियर फॉर एस बी आई अब बोरोविंग्स कॉस्टली हो गई हैं एस ही जब हायर रेट पे बोरो कर रहा है आर पे देन इट विल बोरो इट विल लेंड मनी टू दी बोरोवर्स एट अ हायर रेट सो इसके पीछे का रीजन क्या है तो वाइल इंक्रीजिंग दी रेपो रेट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक द बोरोविंग्स कॉस्टलियर सो दैट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कुड बी रिड्यूस्ड मनी सप्लाई कैसे डिक्रीज होगा बोरोविंग्स कॉस्टली हो जाएगी सो लेस पीपल विल बी बोरोविंग सो वेन देर विल भी लेस बोरोविंग देर विल भी लेस मनी अवेलेबल टू बी यूटिलाइज और जब मार्केट में पैसा कम होगा दैन इट विल रिजल्ट टू डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसिज देय बाय रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग ऑफ इंफ्लेशन सो इन ऑर्डर टू करटेल इंफ्लेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट रेट वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज इंक्रीजिंग द रेपो रेट अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में आर बी आई टेक्स मनी फ्रॉम दैंक आर बी आई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक एंड इन वाइल्ड बोरोंग आर बी आई पेज सर्टन इंटरेस्ट टू दिस बैंक दैट इज नॉन एज द रिवर्स रेपो रेट और आर बी आई इस केस में भी इनको कोलेट्रल देता है दैट इज अपना जी सेक इनको दे देता है एंड देन यू टेक्स द मनी ठीक है अब ऐसा क्यों कर रहा है आर बी आई आर बी आई विल बी डूइंग दिस वेन एवर इट वॉन्ट्स टू इंक्रीज़ मनी सप्लाई इन द इकोनोमी तो जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना होगा सॉरी uh, जब भी मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना पड़ेगा तो ये एक, एक और तरीका है जिसके थ्रू मनी सप्लाई को आप डिक्रीज़ कर सकते हो जितने भी बैंक के पास पैसा है आर बी आई कैन स्टार्ट टेकिंग दैट मनी फ्रॉम द बैंक्स और उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता जाएगा ठीक है अब आ जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अब एस डी एफ को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल के मॉनिट्री पॉलिसी स्टेटमेंट में सो वॉट इज दिस एस डी एफ एस डी एफ इज ऑल्सो अ वे ऑफ एब्जॉर्बिंग द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी कैसे एब्जॉर्ब करेगा एस डी एफ फैसिलिटी के अंदर आर बी आई कैन बोरो मनी इसके केस के अंदर आर बी आई विल बी बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक्स एस बी आई ले लो एस बी आई से बोरो कर लेगा विदाउट गिविंग एनी कोलेट्रल कोलेट्रल नहीं देना इस केस में ठीक है तो कोलेट्रल आपको नहीं देना आर बी आई डायरेक्टली बो कर सकता है और ये बोल सकता है आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी पेइंग बैक योर मनी और उस केस में कोई कोलेट्रल जमा नहीं करना है दिस इज़ नॉन एज दी एस डी एफ सेकेंड नेक्स्ट इज द एम एस एफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अब देखो एस डी एफ एक चीज हो गया दूसरा है एम एस एफ ठीक है लेट्स चेंज द कलर वरना बहुत हॉच पॉच हो जाएगा अब एस को बोला जाता है एब्जॉर्ब फैसिलिटी और इसको बोला जाता है इंजेक्शन फैसिलिटी नाउ ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये वर्ड्स भी याद रह गए कि दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विथ एम एस एफ दैन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे राइट right? इंजेक्शन का मतलब होता है जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होती है मार्केट में तो आर बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अंडर दी एमएसएफ फैसिलिटी तो यहाँ पे ऑक्शनिंग की जाती है जो जितना ऑक्शन लगाएगा उसके बेसिस पे आरबीआई विल बी गिविंग मनी टू दी बैंक्स अगेंस्ट कोलेट्रल अगेन एम एस एफ में भी कोलेट्रल इन्वॉल्व होता है हावर यू टॉक अबाउट एस डी एफ एस डी एफ में आर बी आई सक्स ऑफ दी एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम दी मार्केट बाई टेकिंग मनी फ्रॉम दी बैंक तो बैंक्स के बाद जितने भी एक्सेस लिक्विडिटी है दे केन दे केन डिपॉजिट देयर एक्सेस और सरप्लस लिक्विडिटी विथ दी आर बी आई अगेंस्ट अर्निंग सर्टन इंटरेस्ट ठीक है अब सिंस रेपो रेट इंक्रीज करने के वजह से बोरोविंग्स महंगी हो गई हैं लोग लोन नहीं ले रहे हैं सो वट आर बी आई कैन डू और वट द बैंक्स कैन डू सपोज़ एस बी आई का एग्जाम्पल लेते हैं एस बी आई के पास एक्सिस मनी है कोई लोन नहीं ले रहा अब उस पैसे को वो डायरेक्टली आर बी आई के पास जमा कर सकता है जिसके बदले उसको इंट्रेस्ट मिलेगा दैट इज नॉन एज दी एस डी एफ नाउ देर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अब ये जो एल ए है ना दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर दी नरसिम्हम कमेटी रिफॉर्म्स ऑन बैंकिंग सेक्टर ठीक है तो नरसिम्हम कमेटी आई थी 1998 में दैट में अबाउट रिफॉर्मिंग द बैंकिंग सेक्टर तो उन्होंने बोला था एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होना चाहिए जिसके अंदर आप लिक्विडिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ द इकोनॉमी तो इसके दो सो दिस इज़ नॉन एज द लिक्विडिटी कॉरिडोर अब इसके दो चीज़ें हैं एक आ जाता है आपका एम और दूसरा आ जाता है आपका सो सी एक आ गया आपका एम दूसरा पहले रिवर्स रेपो रेट था अब एस बन गया है तो लेट मी राइट हेयर एस डी रिवर्स रेपो रेट और दी एस डी एफ ठीक है ना अब ये जो एस डी एफ है दिस इज गोइंग टू बी लोअर एंड दिस इज गोइंग टू बी हायर ठीक है सो अंडर दी एस डी एफ जैसे आप देख सकते हो योर एस डी एफ इज लोअर इन कंपेरिजन टू द एम एस एफ सो अंडर दी तो पहले ये रिवर्स रिवर्स रेपो रेट था एम था और बीच में आता था आपका पॉलिसी रेपो रेट ठीक है ये तीन चीज़ें हो गई तो जब भी इकॉनमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना था जब भी इकॉनमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना था पीपल आरबीआई वुड आरबीआई वुड परचेज जी सेक एंड इंजेक्ट लिक्विडिटी इन टू द मार्केट इन केस ऑफ वेन एवर यू द आर बी आई वॉन्टेड टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, इट विल ट्राई टू एब्जॉर्ब बाय परचेजिंग बाय सेलिंग जी सेक ठीक है बट अप्रैल के महीने में एस को इंट्रोड्यूस किया गया सो so दैट आपको जी सेक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आर कैन बोरो मनी फ्रॉम दी बैंक्स एंड इन रिटर्न इट डि नॉट पे एनी इट डिन नॉट गिव एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सो दिस वॉज द फीचर ऑफ एस डी एफ तो ये आपका लिक्विडिटी कॉरिडोर है और जब अप्रैल में इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये बताया गया था दैट दी एस डी एफ इज गोइंग टू बी पॉइंट टू फाइव हायर देन योर पॉलिसी रेपो रेट एंड पॉइंट फाइव हायर देन दी एफ ठीक है तो एमएसएफ क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इट इज द प्रोसेस वेर बाय द बैंक्स बोरो फ्रॉम आर बी आई जब भी बैंक्स बोरो करेगा वो स्लाइटली हायर होगा देन द रेट एट विच आर बी आई बोरोज फ्रॉम बैंक्स आर बी आई बोरो कर रहे इसका मतलब ये भी होता है दट बैंक्स आर पार्किंग देयर एक्सेस मनी विथ आर बी आई दोनों तरीके से आप देख सकते हो ठीक है तो अब देखो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि पॉइंट टू फाइव और पॉइंट फाइव क्या है तो इस डेटा को देखो ना य पॉलिसी रेपो रेट इज फाइव पॉइंट फोर इसमें या सॉरी सो दिस योर दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट टू फाइव लोअर एंड पॉइंट फाइव लोअर अब इसका डिफरेंस फाइव पॉइंट फोर और फाइव पॉइंट वन फाइव का डिफरेंस होता है पॉइंट टू फाइव ठीक है अगर आप इसका और इसका देखोगे इसका डिफरेंस है पॉइंट फाइव तो जो भी आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है जिस रेट पे आरबीआई बोरो करता है वो हमेशा लोअर होगा आप फिक्स रिवर्स रेपो, रेपो रेट में भी देख सकते हो और एसडीएफ में भी देख सकते हो तो ये कितना कम होगा रेपो रेट से 0.25 टू फाइव परसेंट लोअर होगा एमएसएफ से कितना लोअर होगा इट विल बी लोअर बाय 0.5 परसेंट इसीलिए ये कहा जाता है जो हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है इट इज़ विद इन द रेंज ऑफ पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है और ये दोनों इसके कॉरिडोर्स हैं एस डी एफ एंड एम एस एफ आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दोबारा इसको आ, वीडियो को रीप्ले करके देखना आपको समझ आ जाएगा और क्लियरली ठीक है वॉट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन आर 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 रिवर्स रेपोरेट इन एस डी एफ इट इज़ दी कोलाट्रल इन केस ऑफ एस डी एफ देर इज़ नो जी सेक आई होप आपको समझ आ गया होगा ना लेट्स मूव फॉर्वर्ड टू वॉट इज़ द डिजीजन दैट हैज़ बिन टेकन तो हमने ऑलरेडी ये देख लिया द फर्स्ट डिजिजन इज इंक्रीजिंग द रेपोरेट जिसके कारण इन सब में चेंजेस आए हैं नाउ वाई हैज दे वाई थी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी गॉन फॉर दिस डिजिजन बिकॉज इट वॉन्टेड टू मेंटेन इट्स इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ टू टू सिक्स परसेंट ठीक है तो हमको टू टू सिक्स परसेंट रेंज में रहना था इज एंड वाइल डूइंग सो वी ऑल्सो वॉन्टेड टू मेन्टेन आर ग्रोथ रेट अब ये देखो इन्फ्लेशन और ग्रोथ में हमेशा से देर हैज़ बिन एन इनवर्स रिलेशन जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे लोन्स महंगे होंगे लोन्स महंगे होंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में डिक्रीज़ होगी लोगों के पास पैसा कम होगा जिसके कारण ग्रोथ डिक्रीज़ होगी एंड देर आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन देर हैज़ बीन रिस्क ऑफ रिसेशन इन द इकोनॉमी सिमिलरली अगर जब भी ग्रोथ होता है इन्फ्लेशन इज ऑलवेज लोअर तो ये हमेशा चलता रहता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज़ टू इंश्योर दट देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ उसके बाद हमेशा याद रखना जब भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज होती है प्रोजेक्शंस के अलावा दे आल्सो टॉक अबाउट द स्टैंड दैट दम कमेटी इज टेकिंग व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय दी स्टैंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दी स्टैंड मैं आपको बता देती हूँ स्टैंड का मतलब होता है कि वॉट इज द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इज द कमेटी थिंकिंग तो यहाँ पर यह बोला गया है द कमेटी वॉन्ट्स टू विड्रॉ दी एकोमोडेशन विड्रोइंग एकोमोडेशन मीन्स गोइंग फॉर दी कैलिबरेटेड टाइटनिंग स्टैंड तो चार तरीके की स्टैंड होती हैं फर्स्ट इज़ दी एकोमोडेटिव स्टैंड जिसमें ग्रोथ को ज़्यादा फोकस दिया जाता है जिसके कारण इंटरेस्ट रेट को या पॉलिसी रेपो रेट को डिक्रीज किया जाता है सेकेंड इज़ योर हॉकिश स्टैंड हॉकिस स्टैंड में क्या होता है इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है रन रन अवे इन्फ्लेशन के चांसेस हैं उस केसेस में आप क्या करते हो यू ट्राई टू इंक्रीज पॉलिसी रेपो रेट सो दैट ग्रोथ डिक्रीज हो जाए राइट एक्सेस मनी सप्लाई कुड बी एब्सॉर्व उसको हम बोलते हैं हॉकिश स्टैंड थर्ड इज द न्यूट्रल स्टैंड न्यूट्रल स्टैंड में दी गव द आर बी आई कोड इधर इंक्रीज और डिक्रीज द रेपो रेट डिपेंडिंग अपन उसको ग्रोथ को फोकस करना है या इन्फ्लेशन को ग्रोथ को फोकस करना है तो वो रेपो रेट को डिक्रीज़ करेगा सो दैट लोन्स ई ईजिली अवेलेबल हों लोगों को और कंजम्पन एंड डिमांड कुड भी इंक्रीज अगर अगर उसका टारगेट है कि इन्फ्लेशन को डिक्रीज किया जाए देन इन दैट केस पॉलिसी रेपो रेट विल बी इंक्रीज मेकिंग द लोन्स कॉस्टलियर एंड डिक्रीजिंग द डिमांड ठीक है एंड फाइनली इज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग अप्रोच ठीक है केलिबरेटेड विड्रोवल भी बोलते हैं इनको कैलिबरेटेड विड्रोवल का मतलब होता है दैट यू वॉन्ट टू टेक आउट दी एकोमोडेशन जो बहुत ईजी मनी मार्केट में फ्लो हो चुका है बिकॉज ऑफ दी एकोमोडेटिव पॉलिसी अब आप उसको धीरे धीरे राइट इन अ स्लोअर पेज उसको डिक्रीज करना चाह रहे हो बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट लिटल बाई लिटल थोड़ा थोड़ा करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर रहे हो वाइल एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू मेंटेन दी ग्रोथ आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड बिहाइंड द रीजन बिहाइंड वाई द मॉनेटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ कम डिसीजन सो देखो रीजंस क्या हो सकते हैं सो देयर विल बी सर्टेन सिनेरियोस दैट आर हैपनिंग सर्टेन सिचुएशन सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी डेज मस्ट बी टेकिंग प्लेस एट दी डोमेस्टिक लेवल तो डोमेस्टिक इकोनॉमी की हैपनिंग्स को देखेंगे देन एट दी ग्लोबल लेवल ग्लोबल लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड ऑल्सो द एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया की एक्सटर्नल सेक्टर कितना रोबस्ट है कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट द मार्केट कंडीशन मार्केट की इस टाइम पर क्या कंडीशन है वॉट आर दी ऑफ द कस्टमर्स इन सब को देख के ही पॉलिसी रेट को डिसाइड किया जाता है सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फैक्टर द फर्स्ट रैशनल दैट इज़ global इकोनॉमी तो इसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट किए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बताया है कि जो लास्ट मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज की गई थी जून मंथ की उस कंपैरिजन में हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है द ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है इट हैज़ deteriorated. मतलब उसमें आपको कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है वो और ज़्यादा खराब हो चुका है क्यों खराब हुआ है बिकॉज वाइल ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सेवरल सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैड इंक्रीज इट्स पॉलिसी रेट पॉलिसी रेट को इंक्रीज करने के चक्कर में उन्होंने ग्रोथ को डिक्रीज कर दिया है एंड नाउ दे आर कंसर्नस ऑफ रिसेशन हैपनिंग वर्ल्ड ओवर जिसके कारण हमारा जो ग्लोबल आउटलुक है वो काफ़ी खराब हो चुका है उसके अलावा जो परसिस्टेंट वॉर चल रही है यूरोप में उसके कारण हमारा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुका है क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी तक उतना ईज डाउन नहीं किए नो डाउट अभी 99 के आसपास पहुंच गया है पर बैरल बट स्टिल इट इज़ नॉट बिन डिक्रीजिंग दे आर

अनसर्टेनिटी uh, हो गया है इकोनमी में दैट वी हैव सीन लार्ज एक्जोडस ऑफ कैपिटल फ्रॉम दी डेवलपिंग कंट्रीज लोगों ने डेवलपिंग कंट्रीज से पैसा निकालना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट से बॉन्ड मार्केट में एंड दे आर ट्राइंग टू कीप इट इन मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी सच एज दी यू डॉलर अपने होम करेंसी में पैसे ले जाना शुरू कर दिया है एंड दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली वी हैव सीन एन इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी बट 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 यहाँ पर यह भी बताया गया है जो हमारा इंडियन रुपये है इट हैज़ स्टिल बिंग रोबर्ट डिक्रीज हुआ है देर हैज़ बिन डप्रिसिएशन बट दिस डिप्रिसिएशन इज़ बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन इन द ग्रीन करेंसी वट इज़ द ग्रीन करेंसी डॉलर को ग्रीन करेंसी भी बोला जाता है ठीक है तो जिस सिंस डॉलर इज़ इंक्रीजिंग इसकी वजह से डिप्रिसिएशन देखा जा रहा है अदरवाइज इफ़ यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज़ वी आर स्टिल परफॉर्मिंग बेटर उन्होंने ये भी बोला है जो हमारा यू एस डॉलर इंडेक्स है इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज टू अ टू डिकेड हाई बीस साल में फर्स्ट टाइम अब इतना इंक्रीज देखने को मिल रहा है यू एस डॉलर इंडेक्स में जो हमारा जो यू एस डॉलर इंडेक्स है इट हैज़ इंक्रीज बाई एट परसेंट दैट मीन्स यू एस डॉलर हैज़ बीन अप्रीशिएटिंग अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज अब यू एस डॉलर इंडेक्स क्या होता है आपको पता होगा इंडेक्स इज़ अ नंबर विच इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग आउट बाय टेकिंग आउट द जियोमेटिक जियोमेट्रिकल एवरेज एक एवरेज निकाला जाता है और इस एवरेज कोई सिंपल एवरेज नहीं होता एक वेटेड एवरेज होता है जिसमें वेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो जो यूएस डॉलर इंडेक्स हैं इसमें आप यू एस डॉलर को कंपेयर कर रहे हो अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज अब इस बास्केट में यूजली सिक्स करेंसीज़ होती हैं वॉट आर दीज करेंसीज़ यू हैव द यूरो यू हैव द पाउंड द जैपनीज येन देन यू हैव द स्विस फ्रैंक देन स्विस फ्रैंक हो गया उसके अलावा कैनेडियन डॉलर्स हैं सो आर दो करेंसीज़ जिनके साथ यू एस के ट्रांजेक्शन होते हैं एंड द वेटेज विच इज़ प्रोवाइडेड टू दिस करेंसी फॉर एग्जाम्पल यूरो को सबसे ज़्यादा अराउंड फिफ्टी परसेंट की वेटेज प्रोवाइड की गई है क्यों बिकॉज द ट्रेड ट्रांजेक्शन विथ द यू एस यू एस एंड यूरो इज़ दी हाइस्ट ठीक है तो बेस्ड ऑन द ट्रेड वॉल्यूम एंड द ट्रेड ट्रांजेक्शन वेटेज दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग यू एस इंडेक्स डॉलर इंडेक्स बनाया जाता है ये अप्रिशिएट हुआ है अगर डॉलर अप्रिशिएट हुआ दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज करेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ डेप्रिशिएटेड एंड बिकॉज ऑफ दिस एज वी हैव ऑलरेडी डिसकस देयर आर ह्यूज कैपिटल आउटफ्लोज और इसको मेंटेन करने के लिए इनऑर टू सपोर्ट आर करेंसी वी हैव सीन डिक्रीज इन आर फॉरेक्स रिजर्वस नाउ टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक इकोनमी नाओ जब गवर्नर शक्तिकांता दास आर बी आई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपना स्टेटमेंट दिया था अपना मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था तब उन्होंने ये बताया था दैट एंड ही इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द डोमेस्टिक इकॉनमी कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इट इज स्टिल वेरी रेजिलियट वाई सो बिकॉज हमारे यहाँ का जो मॉनसून है सिंस आर एंटायर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून हमारा जो मॉनसून है वो काफ़ी रोबस्ट है काफ़ी नॉर्मल है एंड दिखारिफ सोइंग है ज बिन वेरी गुड दिस टाइम ठीक है उसके अलावा टॉक अबाउट द एक्सटर्नल सेक्टर तो हमारा जो मर्केंटाइस एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ देखने को मिला गया है एंड दैट टू बाई ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव परसेंट सिमिलरली जो इम्पोर्ट्स हैं दैट हैज़ बिन रोबस्ट एंड नाउ वॉट आर दीज इम्पोर्ट्स दिज आर दोज इम्पोर्ट्स विच आर एसेंशियल इम्पोर्ट्स दैट इज़ नॉन नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड को अगर हम हटा दें जो वोलाटाइल इम्पोर्ट्स होते हैं उनको हटा दें तो भी हमारा इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंट काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहा है इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ एसेंशियल ऑयल गोल्ड तो हम एवर्स uh, होते हैं तब यूज़ करते हैं Uh, हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है वी आर डिमांडिंग मोर ऑफ द एसेंशियल गुड्स ठीक है उसके अलावा सी पी आई एज गिवन बाई दी एन एस ओ दैट इज द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दैट कम्स अंदर मॉपसी मिनिस्ट्री मोस् मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने बताया था कि हमारा जो सी पी आई बेज इन्फ्लेशन है इट इज़ अराउंड सेवन परसेंट जो कि डिक्रीज हुआ है राइट अर्लियर इट वॉज सेवन पॉइंट एट परसेंट सो इट हैज ईज डाउन टू सेवन परसेंट एंड एज अ होल इफ इफिस दैन जो लिक्विडिटी है इट हैज़ बीन इन सरप्लस अर्लियर सिक्स पॉइंट एट ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास लिक्विडिटी थी मार्केट में जो अब अराउंड थ्री पॉइंट एट हो चुकी है सो वी आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी इन द प्रोसेस ऑल्सो वी हैव सीन दट देर हैज़ बीन एन इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट बैंक क्रेडिट हमारी फोर्टीन परसेंट से इंक्रीज हुई है दैट मीन्स वी कैन से और वी कैन कंक्लूड दैट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई हैं इंडिया में सो देर आर गुड साइंस दैट आर डोमेस्टिक इकानमी इज़ शोइंग इन कंटेक्सट ऑफ ग्रोथ ठीक है इसलिए उन्होंने जो हमारी ग्रोथ रेट थी उसको डिक्रीज़ नहीं किया एंड इट हैज़ बिन मेंटेन्ड एट सेवन पॉइंट टू परसेंट सो टेकिंग ऑल द फैक्टर्स इन टू कंसिडरेशन रियल जी टी पी ग्रोथ को जैसे मैंने बताया सेवन पॉइंट टू परसेंट पे रखा गया है एंड देव ऑल्सो गिवन द फोरकास्ट फॉर क्वार्टर वन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर दैट इज़ अराउंड सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है इफ़ यू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को इन्होंने 6.7 परसेंट रखा है एंड दे आर अज्यूमिंग कि क्वार्टर वन में सी पी आई इन्फ्लेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर वुड बी अराउंड फाइव परसेंट नाउ टॉकिंग अबाउट द लिक्विडिटी एंड मार्केट कंडीशंस इफ़ यू टॉक अबाउट द लिक्विडिटी कंडीशन एज आई हैव ऑलरेडी टॉक द हमारा जो यू एस डॉलर इंडेक्स है वो एप्रीशिएट हुआ है एट परसेंट से दैट मीन्स डॉलर हैज़ एप्रीशिएटेड अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज जिसके कारण हमारा जो रुपी है इट इज़ ऑल्सो डेप्रीसीटेड बाई फोर पॉइंट फोर पॉइंट सेवन परसेंट बट आर इकोनॉमी इज स्टिल मोर रोबस्ट इन कंपेरिजन टू दी अदर एशियन कंट्रीज और दी अदर एशियन कंट्रीज बिकॉज हमारी जो ये डेप्रिसिएशन हुआ है इट इज़ बिकॉज ऑफ एप्रिसिएशन इन डॉलर एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिटोरियोशन इन द डोमेस्टिक इकॉनमी एज आईव मैंशन डोमेस्टिक इकॉनॉमी हमारा बहुत ज़्यादा रोबस्ट है बहुत ज़्यादा रिजिलियंट है स्ट्रॉन्ग इनफ है राइट तो इसीलिए इट इज़ नॉट दैट मच वरी सम और आपको पता ही है फॉरेक्स रिजर्वस को डिक्रीज किया गया इन ऑर्डर टू सपोर्ट द रुपी डेप्रीसी बाई आर बी आई है ना आर बी आई ने मार्केट में इंटरवीन किया इन ऑर्डर टू रिड्यूज़ दोलटाइलिटी इन द रुपी एंड इन ऑल ऑफ दीज बेसिस पे हम ये कह सकते हैं दैट आर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज स्ट्रोंग इनफ टू टू रिमेन रोबस्ट एंड टू कम आउट कम आउट ऑफ द पेंडेमिक एंड द वॉर लेड सिटुएशन तो जो यूरोप का वॉर है जो पेंडेमिक की वजह से लॉसेज हुआ है उसको हम ओवरकम कर जाएंगे एंड इन द कमिंग फ्यूचर वी विल हैव ग्रोथ ठीक है जी डी पी इंक्रीज होगा ना इफ यू टॉक अबाउट दी एक्सटर्नल सेक्टर तो एक्सटर्नल सेक्टर में वी हैव सीन मर्न मर्कंडाइज ट्रेड डेफिशिट विच इज़ इंक्रीज टू हंड्रेड बिलियंस बट जो हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट हैं स्पेशली दैट ऑफ द आईटी सेक्टर इट हैज़ रिमेंड रेजिलियट इट हैज़ इंक्रीज एक्सपोनेंशियली अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट है उसमें भी हमने इंक्रीज़ देखा है इफ़ यू टॉक अबाउट एफ डी आई एफ डी आई हैज़ ऑल्सो इंक्रीज अर्लियर कुछ थर्टीन परसेंट था 13% uh, of gdp now it has increased to around 16% i'm not sure of the figure figures are not that important but what you need to understand is fdi in spite of all this uh, problems such as the global supply disruptions then the pandemic then other inflation related problems still we have seen a net increase in fdi इफ़ यू टॉक अबाउट एफ पी आई आपको पता ही होगा एफ पी आई देर वॉज अ मास एग्जॉर्डर एफ डी आई एफ पी आई बहुत सारे एग्जिट कर रहे थे इंडियन मार्केट्स को बट रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट मंथ ये देखा गया है दट एफ पी आई हैज बीन अ नेट बायर दे हैव स्टार्टेड परचेजिंग स्टॉक्स इन इंडिया वाई सो बिकॉज ऑफ दी आफ्टर दॉलिसी रेट डेक्लरेशन बाय यूएस जब यूएस ने निकाला उन्होंने ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रिव्यू दिया दैट दे आर नॉट गोइंग टू फर्दर इंक्रीज तो लोगों को समझ आ गया था कि येस इन द कमिंग शॉर्ट टर्म एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज सो उन्होंने अभी से इंडिया में पैसे डालना शुरू कर दिया एंड टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स डिक्रीज़ हुआ है बट आर फॉरेक्स इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबली आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एम पी सी मीटिंग वो होगी एट द एंड ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी एट टू थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो हर दो महीने बात होती है तो पूरा अगस्त का महीना एंड पूरा सितंबर का महीना सितंबर के एंड में नेक्स्ट मीटिंग होगी एंड देन वी विल सी व्हाट पॉलिसी स्टैंड्स एंड पॉलिसी डिसीजंस डज द एमपीसी कम्स अप विथ आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा

certain articles from the web tk so it talks that if the repo rate increases by 50 basis point then whether the standing deposit facility rate will increase or decrease and by what percentage or the basis points third question talks about what is the projected gdp growth rate for india now these are important these are the expected questions which are usually asked in the examination and fourthly it talks about these stands that the MPC has taken in the August 2022 monetary policy meeting. So, this was all for today. I hope you liked the session. I have already shared the answers, but in the comment section mein iske answers with the reasoning. And keep learning. This was all for today. I hope you liked the session. Till then, bye-bye and take care.